Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you are doing absolutely good. तो गाइस बारात ग्रुप सब कुछ करके हम घर के लिए अब जा रहे हैं, मैं और अमन निकल गए। हमारे साथ था भाई अभिनव, उसको हम वहीं छोड़ आए क्योंकि अभी और भी ज्यादा रिचुअल्स हैं उनके और अमन का एक फैमिली फंक्शन ही है ये, तो फिर उस तरह से इसको रुकना भी पड़ेगा वहाँ पे। तो अभी अभिनव वहाँ पे है तो उस वजह से उसको वहाँ छोड़ के आ गए भाई, हम कैमरा देके आ गए एक, और मैं और अमन निकल आए क्योंकि हमें और भी काम है, हमें कुछ पठानकोट भी जाना है और इसको भी कोई और काम है और बाकी बड़े पंगे हैं भाई एक दो दिन में आपको बताया था। तो फिलहाल हम तो निकल आए हैं, तो अभी रास्ते में रुके, भूख लगी भाई, वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हम, अंदर रुके थोड़ी देर काम कुम करवाया, तो दो चार उनके जो रिचुअल्स थे वो पूरे करे और उसके बाद डायरेक्ट हमने आने वाली बात करी है भाई, और यहाँ पे रुके हैं भाई हम रास्ते में। मैं तो गन्ने का रस पीने लगा हूँ, अमन भी मेरे साथ, और साथ में फ्रूट्स लेने के लिए केला खाना है, मैं कहा चल दो दे दो केले, दो केले भाई। सामने पहाड़ वहाँ पे और यहाँ पे गन्ने का जूस भाई आ गया, थैंक यू सर जी। भाई देखो क्या फीलिंग है यहाँ पे, वो देखो पहाड़ पे बर्फ गिरी है भाई, है ना मज़ा। और सामने ये भाई आ गई गर्मियाँ, वो खा रहे केले कुले भाई, अपने वहाँ पे डाइट ले रहा है भाई। आगे हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया भाई, कितनी देर के लिए बंद है, 5 मिनट? नहीं यार, वहाँ पे काम लगवा ना, वहाँ पे मशीन लगी हुई है तो पत्थर पुत्थर आ रहे हैं तो उसकी वजह से भाई, और सिर्फ हम ही हैं यहाँ पे, हमारे पीछे एक गाड़ी आई है अभी, हम ही हैं उस साइड वहाँ पे रुका होगा आगे जाके भाई। आगे से जो धूल आ रही है ना उड़ के भाई, क्या ये बोल रहा हूँ मैं, पूरी मुँह पे ना ऐसे पड़ रही है कि हालत ख़राब रखी है भाई। तो वैसे भूख लगी थी, अभी यहाँ पे रुके हम भाई कुलचा लैंड में, यहाँ पे खाते हैं कुछ परांठा वगैरह समथिंग। तो गाइस हमने यहाँ पे ऑर्डर करा था परांठा, आलू का परांठा ये, और साथ में मैगी मंगवाई थोड़ी सी अमन ने, और साथ में चाय पी रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं भाई हम अपना, एक बजे होगा ना ब्रंच, हो रहा है हमारा भाई दो तीन। कल भी हमारा एक्चुअली ब्रंच ही हुआ था, मतलब यही होता है कि जब वेडिंग वुडिंग में जाए या बाहर हो ना तो बस यही समझ लो कि ब्रंच होगा, ब्रेकफास्ट और लंच इकट्ठा। उसके बाद रात को भी मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, पर खा लेता हूँ मैं रात को, जैसा भी था कल रात भी ठंडा था बट खा ही लिया भाई थोड़ा बहुत, क्योंकि पता नहीं होता ना फिर सुबह का मिलना या नहीं मिलना, उससे बेटर है कि अपनी भाई अपनी तरफ से पूरा करके चलो। तो गाइस अभी टाइम 4 बज गए हैं और अभी जाके मैं घर पर पहुँचा हूँ, तो एक्चुअली फिर मैं अमर के घर चल गया था, डाटा टूटा कॉपी करना था थोड़ा वो था, वहाँ पर टाइम लग गया, और बाकी फिर अभी घर पे आया हूँ, थोड़ी देर हो गई वैसे 15-20 मिनट मेरे को आए हुए हैं, पर फिलहाल घर पे आया हूँ, अभी काम कुम देखते हैं भाई, हाइटिंग वीटिंग करते हैं अपनी, रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, नींद ज़्यादा लगी भी नहीं, रात को सिर्फ मैं 1 घंटे के लिए सो गया था, 1 घंटे के लिए मिल गया था टाइम हमें रेस्ट करने का, तो वही सोया हूँ 1 घंटे का। कल सुबह से उठे हैं भाई 7 बजे से और रात को 1 घंटा सोया हूँ, और अभी नींद आ नहीं रही मेरे को ज़्यादा, और सुस्ती तो पड़ ही रही है, फिलहाल काम कुम करते हैं और फिर देखते हैं। तो गए थे रात के 9 बज रहे हैं और भाई शाम को फिर मैं स्कूल स्काल में चला गया, वहाँ पे थोड़ा काम कुम करा, और भाई अभी मैं लेटे भी आंखें बंद होंगी भाई, खतरनाक वाली नींद पड़ गई थी मेरे को, तो खाना खाने के लिए मेरे को उठाया यहाँ पे घर वालों ने, और यहाँ पे है दाल और साथ में चावल, तो ये खाते हैं, टाइम देख लो भाई रात के 9 बज रहे हैं वहाँ पे, और खाना खुना खा के मैं सो जाऊँगा भाई, बुरी हालत हो रखी है बॉडी की, सोया नहीं ना 2 दिन से, फिलहाल खाना खा लेते हैं पहले और फिर देखते हैं। तो गाइस अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी उठा हूँ, और रात को तो भाई डायरेक्ट सो गया, मेरी हालत ख़राब थी तो सो गया, और गर्मी भी होगी भाई रात को, मैंने अपनी शर्ट शूट उतार के वहाँ फेंक के, अंदर से भी गर्मी होगी क्योंकि आप सभी को पता है वेडिंग वोडिंग में यही रहता है कि टाइम टूम का कोई पता नहीं होता, कब खाना मिलना है कब क्या होना कुछ भी नहीं पता था, अपना खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ता है जो कि मैं करता नहीं, बड़ा आलसी था मेरे को, तई काम कर लूँ खाना खुना छोड़ दो भाई, तो उस वजह से गर्मी होगी पर चलो हो जाएगा सही। और यार दूसरी बात यह कि मेरे को चाहिए होती है एक OTG केबल फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए लैपटॉप में, तो वो केबल नहीं दिख रही यार, केबल के वो छोटी जुटी है ना USB-C, तो वो नहीं दिख रही यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं डाटा कैसे डालू उसमें व्लॉग वाला, तो वो गुम ही होगी भैया, गुम कैसे होगी मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने वहाँ पर शादी में तो करा मैंने व्लॉग, उसके बाद मैंने डाल दी थी यार बीच में, पूरा याद मैं चीज़ बोलता नहीं हूँ, मैं पूरी डाल दी बीच में और अभी मेरे को दिख नहीं रही यार, पता नहीं कहाँ चलेगी वो, उसके बिना तो व्लॉग ही नहीं हो पाएगा, और यहाँ पर पता नहीं लोकल मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो तो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो देखते हैं भाई फिर वो ही लूँगा मैं जाके नरपुर जाके वो लूँगा, और उसके बाद फिर जाके व्लॉग एडिट करूँगा फिर अपलोड करूँगा फिर जाके आएगा व्लॉग, तो भाई ये क्या पड़ गया पंगा सुबह सुबह। फिलहाल इस व्लॉग को ये एंड करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट में, बाय बाय।